चलिए सर ये भी होमवर्क में दिया गया था कहता है एक हजार रुपए का बॉन्ड फिफ्टीन परसेंट अवेलेबल प्राइस नौ सौ रुपए का अवेलेबल प्राइस कितने का नौ सौ यानी मार्केट प्राइस फेस वैल्यू रेट फिफ्टीन परसेंट है तो इंटरेस्ट एक सौ पचास हो जाएगा अगर पंद्रह परसेंट है तो द बॉन्ड रिडीमेबल एट पार टेन ईयर RV, हजार का ही रिडीमेबल होगा दस साल इंटरेस्ट पेबल एनुअली शुड द इन्वेस्ट बाय इफ रिक्वायर्ड रेट परसेंट रिक्वायर्ड रेट परसेंट तो सिंपल सी बात है अगर हमारा इंटरेंसिक वैल्यू ज्यादा आ जाए और मार्केट में सस्ता हो उससे कम तो खरीद लेंगे अगर इंटरेंसिक वैल्यू कम आ रहा है तो नहीं खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा सर पी जीरो इक्वल टू इंटरेस्ट और पी वी एफ हमें अभी कोई बच्चा बीच में देखता है तो पहले क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है तभी समझ में आएगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारे शॉर्टकट यूज कर रहा हूं इंटरेस्ट 150 सौ पचास पी वी एफ अब कितने परसेंट निकालना है दस सालों के लिए वन पॉइंट वन सिक्स है ना दस सालों के लिए वन पॉइंट वन सिक्स निकालना है तो ये आ जाता है फोर पॉइंट निकाला था हमने फोर पॉइंट एट थ्री थ्री फोर पॉइंट सिक्सटीन परसेंट है ना एट थ्री थ्री प्लस में रिडीमेबल हजार का है जीरो पॉइंट टू टू सिक्स तो ये हो गया हमारा दो सौ छब्बीस और ये फोर पॉइंट एट थ्री थ्री इन टू में एक सौ पचास ये आ गया सात सौ चौबीस सात सौ चौबीस टू टू सिक्स आ गया नौ सौ पचास सर नौ सौ पचास मार्केट में कितने का है नौ सौ रुपए का इसकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी नौ सौ पचास तो बॉन्ड को बाय करना चाहिए यस yes. बॉन्ड को बाय कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में जो मिल रहा है वो मिल अभी होना इसका ये प्राइस चाहिए इससे सस्ते में मिल रहा है तो हमें खरीद लेना चाहिए चलिए सिक्स के बाद आ जाते हैं सर सेवन सेवन में क्या कहा देखते हैं कहता है एक हजार रुपए का फेस वैल्यू है दैट इज फेस वैल्यू मेरा क्या है एक हजार कोपन रेट हमारा बारह परसेंट है तो इंटरेस्ट जो आएगा एक सौ बीस आएगा रिडीमेबल एट पार है हमारा टेन ईयर है इंटरेस्ट पेबल एनुअली कैलकुलेट द इंट्रेंसिक वैल्यू बॉन्ड फेयर वैल्यू देयर कहता है दस साल का हो तब बताइए पांच साल का हो तब बताइए दो साल का हो तब बताइए एक साल का दो है तब बताइए कैलकुलेट द वैल्यू एट मेच्योरिटी और जीरो साल का हो तब बताइए रिक्वायर्ड रेट एज्यूम करो फोर्टीन परसेंट हो तो फोर्टीन वाला मैं कर दूंगा टेन वाला फिर से आपको कर लेंगे उसी के हिसाब से तो वेन रिक्वायर्ड रेट क्या है इसमें कितने केसेस हो गए सर आ, तीन चार फटाफट से देख लेते हैं पहला केस हमारा टेन कितना है सर दस साल पहला केस दस साल तो चलिए पी जीरो इजिकल टू इंटरेस्ट क्या है 120 सौ बीस पी वी मैं लिख नहीं रहा फॉर्मूला अब फॉर्मूला लिख नहीं रहा प्लस रिडीमेबल वैल्यू क्या बताया एट पार ये निकालना तो सर कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड एट फोर्टीन वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन फोर हो जाएगा फोर्टीन एट कितने साल दस साल एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो ये आ गया टू सिक्स नाइन जीरो पॉइंट टू सिक्स नाइन और इसका जीटी करेंगे तो ये आ गया फाइव पॉइंट टू वन सिक्स में वन टू जीरो छ सौ पच्चीस प्लस में टू सिक्स नाइन टू सिक्स नाइन ये आ गया हमारा एट नाइन Four. तो सर हमारा मार्केट प्राइस है हजार रुपए जो कि महंगा है तो इस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा रिजेक्ट आगे आ जाते हैं yes, सर अगर हमारा पांच साल हो जाए तो पी क्या होगा सर इंटरेस्ट तो 120 ही रहेगा पांच सालों का निकालोगे निकालोगे तो कैसे एक हजार जीरो पॉइंट फाइव वन नाइन जी कर दिया थ्री पॉइंट फोर थ्री इंटू एक सौ बीस कर दिया चार सौ ग्यारह प्लस पांच सौ उन्नीस भैया ये भी बेकारी है 930 आ रहा है तो ये भी रिजेक्टेड इसके बाद आ जाओ पांच साल के बाद बोलता है दो साल हो तो क्या होगा फिर वे रिजेक्ट हो जाएगा दो साल में पी जीरो होगा हमारा सर 120 प्लस 1000 तो अब दो साल का कैसे निकालोगे वन डिवाइड बाय 1.14 एक साल दो साल पॉइंट सेवन सिक्स नाइन जी टी वन पॉइंट सिक्स फोर इंटू एक सौ बीस वन नाइन सेवन प्लस सेवन सिक्स नाइन ये तो और ज्यादा नौ सौ छियासठ तो और कम आ गया मैं थोड़ा बढ़ गया है बट अभी भी स्टिल नॉट एक्सेप्टेबल है आज के आज करें तो आज के आज करें तो सर जीरो हो गए ना तो आप क्या निकालोगे सर मैं फॉर्मूला एक बार लिखूं पॉइंट नंबर फोर हो जाएगा एक तरीके से आप निकालोगे पी जीरो इज इक्ल टू आई पी वी एफ अब यहां पे जीरो और कितने परसेंट फोर्टीन परसेंट लोगे जीरो ईयर का ठीक है जो कि जीरो ईयर का फोर्टीन परसेंट हमारा एक ही हो जाएगा क्योंकि वन डिवाइडेड बाय हम एक साल का भी नहीं करेंगे इसके बाद प्लस रिडीमेबल वैल्यू पी वी एफ जीरो और फोर्टीन परसेंट आ जाएगा इंटरेस्ट था 120 into 1 divided by 1 एक सौ बीस इन टू वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन सिक्स एक करंट ईयर का जीरो मतलब एक ही साल हो गया तो ये आ गया जीरो पॉइंट एट सिक्स टू प्लस एक हजार जीरो पॉइंट एट सिक्स टू क्योंकि जी टी यही रहेगा इसका जी कर लूंगा तो देखो यही आएगा इंटू एक सौ बीस वन जीरो थ्री प्लस में एट सिक्स थ्री एट सिक्स थ्री नौ सौ छियासठ नौ सौ छियासठ ये था हमारा क्वेश्चन नंबर नंबर कौन सा था जीरो ईयर एक एरर हो गया जीरो ईयर में तो ये होगा ही नहीं ना चलिए मैं दोबारा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं. अब जीरो ईयर में क्या है सर इंटरेस्ट जीरो और ये एक ही रहेगा अगर आप जीरो मतलब कोई साल नहीं लोगे आर भी एक हजार और ये भी आपका एक ही रहेगा क्योंकि आपने कोई फैक्टर ही नहीं करना तो आंसर एक हजार आ जाएगा ठीक है सर इसका आपको सेम दस परसेंट के हिसाब से निकालना है और बताना है तो हजार रुपए से अगर प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू आएगा तो खरीद लेना और लो आएगा तो मत खरीदना ये वाला पार्ट आपको स्टिल मैंने होमवर्क में छोड़ दिया और करना जरूर प्रैक्टिस के पर्पज के लिए चलिए सर एट सेवन तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए फिर एट पे आएंगे फिर एट पे आएंगे आ, एक और क्वेश्चन देखते हैं सर इस क्वेश्चन में क्या खास बात है वो देखते हैं आ, ये क्वेश्चन ना काफी मल्टीपल है हालांकि ऐसे क्वेश्चन जल्दी जनरली एग्जाम में नहीं आते तो मैं एक वाला पार्ट कर दूंगा कोई भी ठीक है उसके बाद बाकी सारे आप करेंगे कहता है कि हमारा जो फेस वैल्यू है दैट इज एक हजार बारह परसेंट रेट है तो यानी जो इंटरेस्ट होगा वो एक सौ बीस होगा एक हजार रुपए रिडीमेबल वैल्यू हमें दे रखा है एट पार मतलब हजार कैलकुलेट इट्स वैल्यू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर दस परसेंट मैं एक ले रहा हूं दस परसेंट के हिसाब से निकालो अगर आपका टर्म्स ट्वेंटी ईयर हो तो निकालो अगर टर्म्स फाइव ईयर है तो निकालो अगर हमारा परपैचुअल है तो निकालो इसमें बस मेन सिखाना है परपैचुअल ठीक है परपैचुअल का मतलब हमें डिबेंचर कभी रिडीम ही नहीं होगा ये इिडीमेबल हो गया इिडिमेबल स्टार्टिंग में देखा था हमने इिडीमेबल ये हो गया इन अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट क्योंकि रिडीमेबल वैल्यू कुछ होगा नहीं और इसको हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे डिवाइड कर देंगे जैसे अगर 10 परसेंट है डिवाइडेड बाय रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टू मै हंड्रेड फॉर्मूला बन जाएगा बेसिकली यही फॉर्मूला हमारा कई जगह पे यूज होता है कि हमें एक फाइनल रेट बताना है ठीक है मतलब हमें कभी ब्याज जो मिल रहा है इस रेट से मिल रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए वो निकल जाएगी ठीक है चलिए आइए फिर हम इस क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं एक पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं सर एट पहला केस है बीस साल केस नंबर वन पी जीरो इज इक्वल टू एक सौ बीस इसको इज छोड़ देते हैं प्लस एक हजार और इसको भी एज इज छोड़ देते हैं पहला केस सॉरी पहला केस है हमारा पांच साल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टेन तो वन डिवाइडेड एक दो तीन चार पांच तो जीरो पॉइंट सिक्स टू जीरो जी टी करोगे तो थ्री पॉइंट नाइन जीरो इंटू वन ट्वेंटी कर दोगे तो आपका आएगा चार सो चौवन प्लस छह सौ बीस तो ये आ गया एक हजार चौहत्तर बुक के अंदर एक दो रुपए तीन रुपए का फर्क हो सकता है क्योंकि पे, पे के तो हमारा फिर से पी जीरो क्या होगा सर इंटरेस्ट एक सौ बीस ही रहने वाला है और ये बदल जाएगा और एक हजार ही रहने वाला और ये बदल जाएगा तो वन डिवाइडेड बाय पॉइंट वन डिवाइडेड बाय पॉइंट वन एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस जीरो पॉइंट वन फोर एट जी दवाया एट पॉइंट फाइव वन इंटू एक सौ बीस अकेला यही आ गया सर एक हजार इक्कीस इसे खरीदना चाहिए एक सौ अड़तालीस ये आ गया सर वन वन सिक्स नाइन तो सर ये भी इंट्रेंसिक वैल्यू यानी इसका मार्केट प्राइस ये होना चाहिए लेकिन अगर आपको एक हजार में मिल रहा है तो खरीद लो पॉइंट नंबर थ्री क्या कहता है परपेचुअल है तो परपेचुअल जब होता है यानी तो सर अगर इिडीमेबल है तो क्या फॉर्मूला है सर पी जीरो इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट कर दो आप ठीक है इंटरेस्ट क्या है सर इंटरेस्ट यहां पे हमारा जो निकल के आया 120 और रिक्वायर्ड रेट हमारा जो यहाँ पे है वो कितना है टेन है यानी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट कह तो बेसिकली तो टेन है तो मैं इसको जीरो पॉइंट वन कह सकता हूं तो ये जवाब आ गया बारह मैं रिक्वायर्ड रेट लिख देता हूँ फॉर्मूले के अंदर ताकि कोई बच्चा फॉर्मूला लिखे तो उसे दिक्कत ना हो ये कर दिया साहब रिक्वायर्ड रेट कहा गया कहा गया कहा गया ये तो क्वेश्चन है ये रिक्वायर्ड रेट हो गया ध्यान रखिएगा रिक्वायर्ड रेट ठीक सर एट भी हो गया नाइन नाइन कन्वर्टेबल है पहले हम टेन कर लेते हैं फिर नाइन कर लेंगे ये भी बहुत सिंपल सा है टेन डीप डिस्काउंट बॉन्ड यहां तक क्वेश्चन नंबर टेन पढ़े देखो आपको पढ़ना भी है ध्यान से ना सारे क्वेश्चन करोगे बहुत छोटा सा चैप्टर है ये कहता है कि एक लाख रुपए फेस वैल्यू है फेस वैल्यू कितना है सर एक लाख रिडीमेबल पच्चीस साल टाइम क्या है पच्चीस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट क्या है सर इन परसेंट कैलकुलेट इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ डी मतलब डीप डिस्काउंट बॉन्ड का शुड बी इन्वेस्टेड बाय बॉन्ड इफ अवेलेबल एट बारह हजार अभी हमें कितने का मिल रहा है मार्केट प्राइस साहब बारह हजार रुपए का मिल रहा है तो क्या हमें इसे खरीद लेना चाहिए हाउ शुड बी प्राइस बॉन्ड कहता है हाउ शुड बी द इशू प्राइस ऑफ द बॉन्ड ऑफ द कंपनी वॉन्ट टू गिव रिटर्न फिफ्टीन परसेंट क्या प्राइस होगा यानी अगेन इंट्रेंसिक वैल्यू पूछा है क्या इंटरेंसिक वैल्यू होगा बॉन्ड का जो कि हमें पता चल जाएगा तो क्वेश्चन नंबर हमारा टेन है